सब्सक्राइब कीजिए सिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सुधा मिल्क पार्लर लूट कांड का खुलासा, पिस्तौल बाइक व मोबाइल समेत तीन गिरफ्तार, शेष की तलाश जारी। बीते 21 जून को मोहनपुर में सुधा मिल्क पार्लर वितरक से सशस्त्र अपराधियों ने दिन दहाड़े 2.25 लाख रुपए लूट लिया था। उत्खंड का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने घटना में शामिल मोरबाडी निवासी रोशन कुमार झा को लूट के 20,000 रुपए, अपाची बाइक व मोबाइल समेत गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य लाइनर की भूमिका निभा रहे फरार चल रहे पुनास निवासी प्रिंस मिश्रा थानेश्वर स्थान मंदिर के सामने, जिसका सुधा मिल्क पार्लर है, बादल नंद कुमार व अन्य की तलाश जारी है। वहीं दूसरी घटना में नक्कू स्थान मोहनपुर में ज्वेलर्स व्यवसायी एवं हरपुर एलो चौक पर एक बैंक से लूटने का प्लान बना रहे बिशनपुर बांदे निवासी सुमित व रहीमपुर रुदली निवासी राहुल को पुलिस ने देसी पिस्टल, यामा बाइक व 2 मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुमार हाजीपुर जेल में बंद रहीमपुर रुदली निवासी कुख्यात पंकज कुमार के साथ रंगदारी व गोली मारने के आरोप में जेल जा चुका है। राहुल पर मुफस्सिल थाने में 2 मामले पूर्व से ही दर्ज हैं। एसपी विकास बर्मन ने मुफस्सिल थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता में उक्त जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीएसपी प्रीतिश कुमार के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य, पुलिस अवर निरीक्षक शाहवाज आलम, सहायक अवर निरीक्षक परशुराम सिंह व सिपाही अखिलेश सिंह को शामिल करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त कांड का खुलासा किया जा सका। कुंज बिहारी गोयंका जी का एक सुधा मिल्क पार्लर का दुकान है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र डीआरबी कॉलेज एक सर हमको उसमें तो 21 तारीख को दोनों ज्वाइन वहाँ पे उन लोगों के द्वारा एफआईआर के अनुसार, एफआईआर संख्या जो दर्ज कराई गई थी उसके अनुसार इन लोगों ने 2.5 लाख के करीब पैसे की लूटपाट हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ। इसके बाद हम लोगों ने एसडीपीओ का गठन किया, मुफस्सिल थाना प्रभारी और उनकी टीम की, डीआईयू की टीम। उसके बाद हम लोगों ने इसका भी तार हाजीपुर जेल में ही एक दूसरा अपराधकर्मी है उससे इसका तार जुड़ा। उसके बाद हम लोगों ने कुछ लोगों को संदिग्ध थे जो नंबर से इत्यादि टेक्निकल सर्विलांस के आधार पे हम लोगों ने कुछ नंबर को पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया। उसके आधार पे एक अपराधकर्मी रोशन कुमार को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसने अपने संलिप्तता स्वीकार की, इसने लाइनर के रूप में काम कराया। बाहर की टीम आई थी हाजीपुर से, वैशाली अगल बगल के जिले से अपराधकर्मी आए थे, ये इनके साथ वहाँ घटना में गया था। इसके बाद इसको अपना शेयर मिल गया, ये अपने घर आ गया। इसके पास से हम लोगों ने 20,000 रुपया बरामद किया है लूट का। इसके पास से हम लोगों ने अपाची मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है जो सीसीटीवी फुटेज में भी आया है। उसके बाद इन लोगों ने एक पल्सर मोटरसाइकिल और स्कूटी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था, इसको हम लोग पता लगा रहे हैं। इसमें अन्य जो अपराधकर्मी है उसमें एक सुधा मिल्क पार्लर ही चलाने वाला एक आदमी है जिसने इस पूरे घटना को योजना बनाया था हाजीपुर जेल में बंद अपराधकर्मी के साथ। तो इस तरह से इस घटना का 21 तारीख की घटना का उद्भेदन पुलिस के द्वारा अगले दिन कर लिया गया है, जिसको इस तरह से हम लोगों ने इसमें एक अपराधकर्मी को पकड़ा है, एक अपराधकर्मी जो जेल में बंद है उसको चिन्हित कर लिया है, अन्य अपराधकर्मी है जो है वो प्रिंस मिश्रा है, एक बादल है और नंद कुमार। इस तरह से इस घटना का सफल उद्भेदन समस्तीपुर पुलिस के द्वारा एक दिन के अंदर कर लिया। फिर को लेकर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जिसमें टाउन थाना प्रभारी मुफस्सिल, कुंवरी विशाल कुमार सरनवाज, परशुराम और डीआईयू की टीम थी। इसी क्रम में हम लोग को पता चला कि ये लोग कुछ लूट की घटना को लेके कहीं पे वो लूट की घटना को करें। एक स्थान पे वो लोग एकत्रित हुए थे दिनांक 20 तारीख को और वहाँ पे ये लोग एक ज्वेलर की दुकान और पैसे का संस्थान है जहाँ पे वो लोग उसकी रेकी कर रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों के हमारी टीम ने इनको देखा। उसके बाद ये लोग वहाँ से भागने का प्रयास किए, पीछा करने के क्रम में 2 अपराधकर्मी सुमित कुमार और राहुल कुमार को पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से 2 मोबाइल, एक देसी पिस्टल, 2 गोली के साथ एक यामाहा मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इन दोनों अपराधकर्मियों का, जिसमें से एक का पुराना इतिहास है मुफस्सिल थाना कांड संख्या, इसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की थी कि ये लोग जेल में बंद जो अपराधकर्मी है उसके इशारे पर ये लोग किसी ज्वेलर को, किसी पैसे के संस्थान को लोग टारगेट करते हैं। परंतु पुलिस के आसूचना और त्वरित कार्रवाई से इस घटना को रोका गया है और 2 अपराधकर्मियों को पकड़ने में सफलता पाई है। बाकी हम लोग अपराधकर्मियों के बारे में
समय जब पकड़ाएंगे तो आपको हम लोग खबर करेंगे, उनके बारे में भी हमारी टीम उनका पीछा करेगी। Yeah.